सलाम अलैकुम। केसी 100 की बात कर लेते हैं तो जुम्मे के दिन भी केसी 100 में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट रहा। 62,500 पे केसी 100 ट्रेडिंग कर रहा था इससे ऊपर पे, लेकिन फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से केसी 100 का जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट डे के केसी 100 का जो मजबूत सपोर्ट टेबल था जो कि केसी 100 का बना हुआ था 62,000 पॉइंट्स का, वो भी केसी 100 ने फ्राइडे के दिन ब्रेक करा और वहाँ से तेजी से केसी 100 नीचे की तरफ ही आता रहा और केसी 100 61,500 पे आ चुका था। फिर वहाँ से शॉर्ट टर्म रिकवरी आई है और केसी 100 61,705 पे केसी 100 की क्लोजिंग आई। तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि केसी 100 हैवी वेटेज स्टॉक्स की वजह से तेजी से नीचे की तरफ आया, तो वो जो हैवी वेटेज स्टॉक्स थे केसी 100 के, वो PPL, OGDC, लक्की मारी, एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज थी हैवी वेटेज स्टॉक्स जिसकी वजह से केसी 100 में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट रहा और केसी 100 पर तेजी से नीचे की तरफ ही आता रहा। तो ये सारी कंपनीज अपने ऑल टाइम हाईस पे जाके फिर रजिस्ट करी हैं, नीचे की तरफ ही आती रही हैं। तो केसी 100 67,000 पे जाके रजिस्ट कराए, वहाँ पे सेलिंग आई, तो फिर अभी केसी 100 62,000 की भी मजबूत सपोर्ट लेवल ब्रेक करके इससे नीचे पे आया और 61,705 पे केसी 100 ट्रेडिंग करता रहा। तो ट्यूसडे को जो केसी 100 में रिकवरी आ सकती है तो केसी 100 62,000 पॉइंट्स पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि केसी 100 अपने वापसी हुई मजबूत सपोर्ट लेवल को मेंटेन कर सकता है जो कि केसी 100 का बना हुआ था 62,000 पॉइंट्स का। लेकिन अभी जो अगला केसी 100 का बनता है सपोर्ट लेवल, यानी केसी 100 मजीद नीचे आता है, क्योंकि देखें अभी काफ़ी सारी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने लो से हाई पर ट्रेडिंग कर रहे थे, उनमें सेलिंग आई है, तो फिर केसी 100 तेजी नीचे की तरफ ही आया है। तो अगला जो केसी 100 का जो मजबूत बनता है सपोर्ट लेवल 60,000 पॉइंट्स पे केसी 100 आ सकता है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखे लास्ट में लाइक भी कर दिएगा। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो और 1,000 लाइक यानी कि 1,000 लाइक्स इस चाहेंगे वीडियो पे, ताकि फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। तो आप लोग लाजमी जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इसको लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये देख रहे वीडियो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि देखिए मैं इसमें आप लोगों को एक बहुत ही पैनी स्टॉक है बनिए मैं आप लोगों को उसके बताऊँगा, तो इसके अलावा मैं आप लोगों को चार बहुत ही बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक्स का बताऊँगा, यानी कि उनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोगों को कैपिटल गेन तो अच्छा बहुत ज़्यादा ही इन चारों कंपनीज के स्टॉक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा हासिल होगा। तो वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। इसके अलावा आप लोग लाजमी कोई भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस लाजमी लगा लीजिएगा। अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा चार बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक्स, तो उसमें भी आप लोग खास तौर पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करिएगा। फिर देखिए स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है कि अगर स्टॉक वहाँ से मजीद नीचे आते हैं तो आप लोगों का एक स्टॉप लॉस जो लगा हुआ होगा तो वो आप लोगों का स्टॉप लॉस जब हिट करेगा तो आप लोगों का प्रॉफिट पक्का हो जाएगा। तो देखिए इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में इससे पहले एक स्टॉक का बोला था पैनी स्टॉक का कि मैं आप लोगों को वो स्टॉक बताऊंगा, तो वो कंपनी है फौजी फूड्स लिमिटेड FFL, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में कंपनी आती है। तो FFL का जो स्टॉक है वो 4.5 रुपये की सपोर्ट लेवल बना के तेज से अपवर्ड की तरफ गया और 10.5 रुपये से भी ऊपर चला गया और 11 रुपये से भी ऊपर पे ट्रेडिंग करता रहा। तो देखिए अभी FFL का जो बेस्ट जो बनता है बाइंग जोन, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है लेकिन इसमें जो है वो कैपिटल गेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फौजी फूड्स लिमिटेड के स्टॉक में हासिल हो सकता है। अभी तो फौजी फूड्स लिमिटेड के स्टॉक की जो क्लोजिंग आई है वो 11.47 रुपये पे FFL के स्टॉक की क्लोजिंग आई है। तो देखिए इसका जो बेस्ट सपोर्ट लेवल बनता है यानी कि बेस्ट बाइंग जोन जो बनता है वो 10.50 रुपये 10.40 रुपये यानी कि 10.5 रुपये से ऊपर पे FFL के स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बनता है और लॉन्ग टर्म टारगेट FFL का 16 रुपये का हो सकता है। वैसे तो देखिए मैंने आप लोगों को एक बता दिया पैनी स्टॉक के स्टॉक जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। देखिए इसके अलावा जो इसी के साथ की जो कंपनी है क्योंकि फौजी फूड्स लिमिटेड बिन कासिम लिमिटेड FFBL, उसका देखिए मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था और वो भी स्टॉक 30 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो इसी तरह से जो कि FFL का स्टॉक है फौजी फूड्स लिमिटेड का, ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। इसी चैनल पर ही काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं जिसे मैंने आप लोगों को मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स का बताया। तो अभी किसी ने भी मेरी कोई वीडियो वॉच नहीं करी तो वो उस वीडियो को वॉच करें, ताकि फिर उसको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक और स्टॉक की बाइंग करने में आसानी हो जाए। तो आज जो मैं आप लोगों को चार बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक्स बताऊँगा, तो ये चारों स्टॉक्स खास तौर पर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए और जो लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये थोड़ा बहुत नीचे आते हैं तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि ट्रेडर्स को इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। बस एक बात का आप लोग खास ख्याल रखिएगा कि
स्टॉप लॉस लगाते हुए चारों कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें और देखते रहें कि इनके प्राइस जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन सा स्लो स्लो करके नीचे आ रहा है, कौन सा तेजी से बढ़ रहा है, तो ये फिर आप लोग देखते रहिएगा इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स में। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नाम है लॉर्ड्स लिमिटेड। लॉर्ड्स इसका कोड है। कंपनी के काम की बात कर लेते हैं, तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज की सेल्स का ये कंपनी काम कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा जो है कंपनी का बिजनेस तो चल ही रहा है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड, 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 22 से 24 रुपये पे लॉर्ड्स का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ था, लेकिन फिर जैसे ऐसे इंटरेस्ट रेट इतना था तेजी से बढ़ा है और डॉलर का रेट इतना था तेजी से बढ़ा है, तो फिर लॉर्ड्स कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बिल्कुल ही कम होती चली गई, माइनस में चली गई अर्निंग्स। इसी वजह से कोई भी सपोर्ट लेवल लॉर्ड्स कंपनी के स्टॉक का बन नहीं पाया और 22 रुपये से जो लॉर्ड्स कंपनी का स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आने स्टार्ट हुआ है, तो फिर कोई सपोर्ट लेवल नहीं बना और ये तेज ही नीचे की तरफ ही आता रहा। वो 6.5 से 7 रुपये का ये सपोर्ट लेवल बना लॉर्ड्स कंपनी के स्टॉक का, फिर सपोर्ट लेवल को बना के लॉर्ड्स का स्टॉक फिर अपवर्ड की तरफ गया, तो फिर अभी लॉर्ड्स का जो है वो बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है और अगर ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है तो फिर ये स्टॉक कहाँ पर रेजिस्ट कर सकता है, तो ये सारी बातें आप लोगों को मैं लॉर्ड्स के टेक्निकल एनालिसिस करके बता देता हूँ। लॉर्ड्स की स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो इसका स्टॉक पिछली हिस्ट्री में अगस्त 2021 में सितंबर में 22 से 24 रुपए इन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन फिर जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और 20% से भी ऊपर इंटरेस्ट रेट निकला और डॉलर का रेट भी 300 रुपये से ऊपर निकला, तो फिर इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो तो कम होना शुरू हो गई थी, सेल्स भी कम हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर मज़ीद एक सेल्स कम हुई और अर्निंग्स बिल्कुल माइनस में आ गई, यानी कि प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए कंपनी के। फिर ये स्टॉक कहीं पर भी नहीं रुका है, 20 रुपये से नीचे आना स्टार्ट हुआ है, तो फिर कोई सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आता रहा, लेकिन फिर इसका जो एक सपोर्ट लेवल बन लॉर्ड्स का वो 6 से 6.5 रुपये का ये सपोर्ट लेवल बना लॉर्ड्स का, तो पर ये सपोर्ट लेवल को मेंटेन करके लॉर्ड्स का जो स्टॉक था वो फिर तेजी से एक बाइंग जनरेट हुई और फिर लॉर्ड्स का स्टॉक अपवर्ड की तरफ जाता रहा और अपवर्ड की तरफ जाते हुए जो लॉर्ड्स का जो रेजिस्टेंस बना वो लॉर्ड्स का बन गया था 11 रुपये का, यानी कि 11.5-11 रुपये का ये एक लॉर्ड्स का एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में भी लॉर्ड्स का ये रेजिस्टेंस दिखने में आया था, पर जैसे ही लॉर्ड्स का स्टॉक 11.5 से 12 रुपये पे आके ट्रेडिंग करता है और अपने जो 11 रुपये का रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है भरपूर वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये तेजी से निकल सकता है ऊपर, लेकिन ये जब स्टॉक तेजी से बढ़ेगा तो उसकी जो मेन वजह होगी वो इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो ये स्टॉक फिर तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अभी ये जहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं जो कि ये 5 रुपये का 10 रुपये यानी कि 100% ये स्टॉक बढ़ चुका है, जबकि अर्निंग्स भी माइनस में, खास तौर पे जो अर्निंग्स हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन हैं, जो सेल्स हैं वो सभी कम है, अर्निंग्स माइनस में, कंपनी यानी कि लॉस में चल रही है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होते हैं और डॉलर का रेट भी मज़ीद नीचे आता है तो फिर इस कंपनी का जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लग जाएगा, तो फिर ये स्टॉक तेजी से ऊपर निकल जाएगा। ये स्टॉक जो है वो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए और लॉन्ग टर्म टारगेट जो अगर लॉर्ड्स का स्टॉक तेजी से बढ़ता है तो 14 से 15 रुपये का ये यानी कि यहाँ तक पहुँच सकता है, तो अभी ये 9 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है तो ये थोड़ा बहुत नीचे आता है, यानी कि 7-7.5 रुपये पे आता है, तो यहाँ आप लोग बाइंग करके लॉन्ग टर्म टारगेट 14 से 15 रुपये का लॉर्ड्स का रखें, होल्डिंग कर सकते हैं, तो उन लोगों का अच्छा खासा कैपिटल गेन लॉर्ड्स के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। तो ये था लॉर्ड्स का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो पेपर एंड बोर्ड्स के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CEPB इसका कोड है। 1984 से कंपनी काम कर रही है। इसके काम की बात कर लेते हैं, तो ये पेपर बोर्ड्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और कंपनी का बिजनेस जो है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और एक ग्रोथ दिखने में आ रही है सेंचुरी पेपर के बिजनेस में। इसके अलावा सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड PSX में KC100 में लिस्टेड और KC100 में तो पिछली स्ट्रीम में सेंचुरी पेपर के स्टॉक की बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और 100 रुपये से ऊपर पे सेंचुरी पेपर्स का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ से इंटरेस्ट रेट और डॉलर रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स की अर्निंग्स कम हो गई, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, तो फिर और स्टॉक प्राइस 100 रुपये से तेजी से नीचे की तरफ आया और सपोर्ट लेवल कोई नहीं बना और 20 से 22 रुपये पर आगे फिर एक बेस्ट सपोर्ट लेवल बना है। ये सपोर्ट लेवल को बना के सेंचुरी पेपर का स्टॉक पर तेजी से अपवर्ड की तरफ गया है। बढ़ते हुए रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है और अभी बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है सेंचुरी पेपर का, ये मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके सेंचुरी पेपर के स्टॉक की हिस्ट्री बता देता हूँ और बेस्ट बाइंग जोन भी आप लोगों को बता देता हूँ। सेंचुरी पेपर के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ही
अच्छी ट्रेडिंग करवा रहा था। पिछली हिस्ट्री में तो ये स्टॉक 100 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा था, और 115 118 रुपये ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम भी बन रहे थे, और एक अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा चुका था। जबकि पिछली हिस्ट्री में जो सपोर्ट लेवल बना था सेंचुरी पेपर का, वो सेंचुरी पेपर ने बनाया था जुलाई और जून 2019 में 24 से लेके 25 रुपये का। तो यहाँ से ये जैसे ही निकला था तो फिर आप लोगों ने खुद देखा था कि 2020 ईयर में ये कितना ही ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाईस पे ट्रेडिंग कर रहा था, और 100 रुपये से ऊपर पे ये चला गया था। लेकिन पर यहाँ से जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा है और डॉलर का रेट इतना तेज़ी से बढ़ा है, तो फिर इस कंपनी की अर्निंग्स और प्रॉफिट मार्जिनस बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो कि अपने हाइस पे था, जो कि 100 रुपये से ऊपर पे था, वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ ही आता रहा है। और कंपनी ने डिविडेंड्स भी दिए, बोनस शेयर्स भी दिए, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट हुआ हुआ था सेंचुरी पेपर के स्टॉक में, तो फिर यहाँ से कहीं कहीं पर भी रुक नहीं पाया। यानी कि रुकने से मरा दिया कि वह सपोर्ट लेवल बनाया और सपोर्ट लेवल बन के फिर ये अपवर्ड की तरफ गया। बस एक सपोर्ट लेवल इसका बना था जो कि 60 से लेके 65 रुपये का बना था जून 2022 में, लेकिन फिर यहाँ से उठाया तो फिर थोड़ा सा ये अपवर्ड की तरफ गया है। वहाँ लोगों ने कैपिटल गेन 8-10 रुपये का सेंचुरी पेपर के स्टॉक में हासिल करा है। सेंचुरी पेपर का स्टॉक 74-75 रुपये तक गया है सितंबर 2022 में, लेकिन फिर यहाँ से मजीद सेलिंग आएगी तो फिर ये कहीं नहीं रुका, फिर ये 40 से 41 रुपये पर आके रुका है। लेकिन फिर यहाँ सेलिंग आई है तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेंचुरी पेपर का स्टॉक 23 से 24 रुपये पे आके रुका सितंबर 2023 में। फिर यहाँ पे एक्युमुलेशन करी है, फिर यहाँ पे बाइंग जनरेट हुई है, और 23 से फिर सेंचुरी पेपर का स्टॉक एक 38 से 40 रुपये तक चला गया दिसंबर 2023 में। लेकिन यहाँ पे सेलिंग आई है तो फिर वापसी नहीं, अभी यह सेंचुरी पेपर का स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहा है, और नीचे की तरफ आने की जो इसकी वजूहत हैं वो यही है कि एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट है, और अभी सेंचुरी पेपर का स्टॉक 31 रुपये 87 पैसे पर ट्रेडिंग कर रहा है। अभी जो इसका बेस्ट बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 24 से 25 रुपये का बन रहा है सेंचुरी पेपर का बेस्ट बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल। तो जैसी इस कंपनी की अर्निंग्स बेहतर होती हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर होते हैं, तो एक जो स्टॉक है जो अभी जनरेटर पर ट्रेडिंग कर रहा है जो कि 31-32 रुपये के रेट है, थोड़ा बहुत जैसे मजीद नीचे आता है क्योंकि अभी KC 100 में भी एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट है और एक KC 100 में आता है। तो फिर आप लोग को देख सकते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर बढ़ जाने की वजह से सेंचुरी पेपर का स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है। लेकिन ये जैसे ही इस कंपनी की अर्निंग्स वगैरह बेहतर होती हैं, प्रॉफिट बेहतर होते हैं, तो फिर ये स्टॉक वापसी अपने हाइस्ट पर चला जाएगा और बहुत ज़्यादा ही। तो जैसे ही इस कंपनी की अर्निंग्स और प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर होते हैं तो फिर सेंचुरी पेपर का स्टॉक जो कि पिछली स्ट्रीम भी 100 रुपये से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा था, तो ये यहाँ तक चला जाएगा। तो अभी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है ये स्टॉक एक्युमुलेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी जब हमारा इंटरेस्ट रेट इतना हाई पर है तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और डॉलर का रेट कम होगा तो फिर इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकलेगा। तो ये स्टॉक अभी जहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है जो कि 30-31-32 रुपये के रेट हैं, तो ये स्टॉक ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कि वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हुए सेंचुरी पेपर के स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। क्योंकि ये स्टॉक कैपिटल गेन अभी ये लो पे आया हुआ है, तो ये बढ़ेगा यहाँ से तो कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा अच्छा ये ट्रेडर्स को दे सकता है। तो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हुए सेंचुरी पेपर के स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट सेंचुरी पेपर का 100-105 रुपये का ये रखकर आप लोग बाइंग कर सकते हैं। तो ये था सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। 1984 से कंपनी काम कर रही है। इसके पैंथर टायर्स लिमिटेड PSX में लिस्टेड है। पिछली हिस्ट्री में तो पैंथर टायर का जो स्टॉक था वो 70 रुपये से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा था 2021 ईयर में, और बहुत ज़्यादा अच्छे PTL के वॉल्यूम भी बन रहे थे, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट और डॉलर के रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स को कम किया, सेल्स कम हो गई, तो PTL का स्टॉक तेज़ी से नीचे की तरफ ही आता रहा और सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया। तो अभी PTL का स्टॉक 44 रुपये 62 पैसे पर ट्रेडिंग कर रहा है। तो PTL का जो बेस्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो 26 से 28 रुपये का बनता है अगर PTL का स्टॉक आप लोगों को यहाँ मिलता है, और जो टारगेट PTL का हो सकता है लॉन्ग टर्म वो PTL का स्टॉक 70 रुपये से ऊपर पर जा सकता है। तो PTL का जो बढ़ते हुए जो रेजिस्टेंस कौन से बनेंगे और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, तो ये मैं आप लोगों को PTL के टेक्निकल एनालिसिस करके PTL के स्टॉक के बता देता हूँ। PTL की स्टॉक हिस्ट्री को देख लेते हैं तो ये स्टॉक भी खास तौर पर ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अगर हम इसके सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेते हैं तो PTL का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था वो PTL का बना था 19 से 20-21 रुपये का। PTL का स्टॉक
इस सपोर्ट लेवल को जैसे इसने मेंटेन करा है, तो यहाँ से एक भरपूर तेजी पीटीएल के स्टॉक में दिखने में आई है और यह 27 से 28 रुपए तक गया जुलाई 2023 में। लेकिन फिर यहाँ पीटीएल के स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना हुआ है, यहाँ पे सेलिंग आई है, तो फिर पीटीएल का स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ ही आया है। फिर नीचे की तरफ आता हुआ पीटीएल का जो सपोर्ट लेवल बना, वो पीटीएल का दोबारा सपोर्ट लेवल बना 20 से 22 रुपए का। सितंबर 2023 में पीटीएल का स्टॉक ये सपोर्ट लेवल बनाते ही यहाँ से भरपूर तेजी से और अच्छे वॉल्यूम्स पीटीएल के स्टॉक में बनना स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूसली अपवर्डी की तरफ जाता रहा पीटीएल का स्टॉक। और बहुत ज़्यादा तेजी से पीटीएल का स्टॉक जाते हुए फिर रेजिस्टेंस का सामना हुआ पीटीएल के स्टॉक को, वो 50 से 51 रुपये का। यहाँ पीटीएल का स्टॉक रुका है तो फिर 52 रुपये में पीटीएल के स्टॉक में सेलिंग आने स्टार्ट हो गई। दिसंबर 2023 में पीटीएल का स्टॉक फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ 52 रुपये से और यहाँ से फिर तेजी से नीचे की तरफ आता हुआ पीटीएल का स्टॉक जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है 44 रुपये पीटीएल का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। अगर पीटीएल का मैं आप लोगों को बता दूं जो पीटीएल का बनता है बेस्ट सपोर्ट लेवल, यानी कि अगर यहाँ पे आप लोगों को मिलता है पीटीएल का स्टॉक ऊपर, यहाँ आप लोग पीटीएल के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करके होल्डिंग कर सकते हैं। खासतौर पर ट्रेडर्स जो हैं वो इसके स्टॉक में ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जैसे ही बढ़ता है तो फिर आप लोगों ने खुद देखा कि कितने अच्छे वॉल्यूम्स पीटीएल के स्टॉक में बनते होते हैं, यानी कि एक तेज़ी से अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है पीटीएल का स्टॉक। तो ये स्टॉक टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और कंपनी जो है वो अर्निंग भी कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। बस जो बातें मैंने आप लोगों को बताई जिसकी वजह से ये तेज नीचे की तरफ आया, तो वो डॉलर का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाना और इम्पोर्ट पर बैन और इंटरेस्ट रेट का इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ना, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से ही पीटीएल का स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आया। तो ये मैंने आप लोगों को स्टॉक की कम्प्लीटली बातें बता दी हैं पीटीएल की। तो ये था पीटीएल का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा फोर्थ कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ट्रीट। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और ग्रोथ दिखने में आ रही है। इसके अलावा ये कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है और ये कंपनी PSX में भी लिस्टेड है और पिछली लिस्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अच्छे रेटों पर, यानी कि 40 रुपये से ऊपर पे ट्रीट का जो स्टॉक प्राइस है वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन फिर इस तरह से इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स प्रॉफिट मार्जिन को कम किया, सेल्स भी कम हो गई, तो कोई सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया, तो नीचे की तरफ भी आता रहा फिर ट्रीट का स्टॉक। इसके अलावा इस ईयर में ट्रीट के स्टॉक ने राइट शेयर्स भी दिए और न्यू एक्सपेंशन भी कर रही है, लेकिन अभी जो ट्रीट का स्टॉक है वो तो बहुत ज़्यादा लो पे ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रीट के स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो ट्रीट का जो बेस्ट सपोर्ट लेवल बना हुआ है, तो ये आप लोगों को अगर 16 से 16.5 रुपए के रेटों पे मिल जाता है ट्रीट का स्टॉक, तो ये फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी ये स्टॉक जो है वो 19 रुपये में ट्रेडिंग कर रहा है और यहाँ से सीलिंग आने स्टार्ट हो गई है, तो यानी कि ये थोड़ा बहुत नीचे आता है, यानी कि 16 रुपये पे यानी कि 16 रुपये पे आता है तो ट्रीट के स्टॉक का आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर सकते हैं। तो यानी कि लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो ट्रीट के स्टॉक का 100%, यानी कि 40 से 42 रुपये ट्रीट का स्टॉक हो जाएगा और कंपनी जो है वो एक्सपेंशन भी कर रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वालों को ट्रीट के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। तो ये था ट्रीट कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को मेरा बताने का मकसद ही है कि अभी जिस तरह से मार्केट नीचे आ रही है और KSE 100 नीचे आ रहा है, तो ये सारे कंपनीज के स्टॉक थोड़ा बहुत आप लोगों को यानी कि लो रेटों में मिलते हैं, तो नीचे के रेटों में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी इन चारों कंपनीज में आप लोगों की। तो इसके अलावा देखिए जो तीन कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, वो सेंचुरी पेपर, फ्रीट और पैंथर टायर्स, ये तो खास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी रिकमेंड है और ट्रेडर्स तो इसमें काम करें बिल्कुल करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म यानी कि साल डेढ़ साल में इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में एक बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। इसलिए कि तीनों ही कंपनीज़ की सेंचुरी पेपर, ट्रीड और पैंथर टायर्स की जो अर्निंग्स है वो तो चली रही हैं कंटिन्यूसली और एक अच्छी भी आ रही हैं, और प्रॉफिट मार्जिन्स जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इन चारों कंपनीज़ के ही बढ़ेंगे, लेकिन ये जो तीन कंपनीज़ हैं इन तीनों का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इस वीडियो का आप लोग लाजमी लाइक भी कर दिएगा जिन्होंने अब तक नहीं करा है, आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को मिल जाया करें, और जो मैंने आप लोगों को बोला है 1000 लाइक्स का, तो इस वीडियो पे मेरे 1000 लाइक्स हो जाएंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे